गुड मॉर्निंग गाइस, दिस सौरभ, वेलकम यू ऑल बैक टू माय चैनल ट्रैवल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो भाई साहब, इस न्यू वीकेंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो एक्चुअली हुआ क्या था उस दिन, मैं रोड क्रॉस करने के चक्कर में कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग की जो बटन है उसको दबाए बिना मैं ऐसे सीधा चला आया, और उसके बाद घर आके देख रहा हूँ, अरे यार वो वाला क्लिप कहाँ गया। तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर डालना पड़ रहा है। तो ये वाला जो जगह है, ये एक्चुअली इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम या फिर नेशनल मिलिट्री म्यूजियम भी कहते हैं इसको। ये नेहरू प्लैनेटोरियम के एकदम ऑपोजिट में है। जो लोग बैंगलोर से, उन लोगों को पता ही होगा ये वाला जगह। बारिश तो चल रहा है भाई, लेकिन लोग भी वैसे ही है हमारे जैसे ढीट। कि हम लोग इतने दिन से इवनिंग को बारिश नहीं हो रहा था, आज जैसे मैं निकलना स्टार्ट किया उस टाइम पे बूंदाबांदी स्टार्ट हो रहा था, अभी तो भाई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पे एक्चुअली एक स्टीम इंजन है रेलवे का। हाँ ये देखो कहाँ गया, छतरी की वजह से मैं नॉर्मली एक शॉट डाल दूँगा। बट ये रहा स्टीम इंजन। अरे यार अभी चलते हैं वार मेमोरियल की तरफ ना, पहले वार मेमोरियल देख लेते हैं उसके बाद। यहाँ पे एक पोर्टेबल ब्रिज है जो, एक सेकंड दिखाता हूँ ना, ये रहा, ये पोर्टेबल ब्रिज है इंडियन आर्मी का। ये ऐसे ट्रक है, बारिश के कारण छतरी इतना गुस्सा आ रहा है, वो ठीक से दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये रहा ट्रक, ये पोर्टेबल है ब्रिज। तो ये वाला जो एरिया है, एक सेकंड ऐसे दिखाता हूँ, एक सेकंड। हाँ तो ये वाला जो एरिया है ये बंद हो जाता है, बंद होके ये यहाँ पे लाई डाउन होता है, और जब कभी ज़रूरत हो तो ये एक ब्रिज बन जाता है पोर्टेबल। ये रहा, यहाँ पे और एक टैंक है।
आप मेरे पीछे यहाँ पे एक डेस्ट्रॉयर देख सकते हो और उस साइड में वहाँ पे एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। भाई साहब सीरियसली ये जगह में आके थोड़ा सा ना इमोशनल हो गया था। ओ भाई इतने सारे मतलब जैसे मैं बोल रहा था ना 1914 मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद इंडो साइनो वार, पाकिस्तान 1971 पाकिस्तान वार, जितना भी था जितने भी मार्टियर्स हैं उन सब का नाम वहाँ पे ऐसे खुदाई किया हुआ है। सीरियसली जो लोग बोलते हैं ना कि हम लोगों का आज़ादी ऐसे चरखा घुमाते हुए या फिर टूथलेस स्माइल से मिल गया, उन सब के लिए ये सब जगह एकदम मतलब क्या बोले वो। बट हाँ बहुत ही अच्छा लगा। और अभी टाइम हो रहा है 6:15, तो 7 o'clock से वो जो फाउंटेन शो है, म्यूजिकल फाउंटेन शो, वहाँ वो स्टार्ट होगा। 7 to 7:30 एक शो है और 8 to 8:30 सेकेंड शो है। तो अभी वहाँ पे चलते हैं। यार भाई पूरा दिन ऐसे बारिश कचर कचर गिर ही रहा है ना, सारा है ना, अम्ब्रेला लेके ठीक से वीडियो भी नहीं कर पा रहा हूँ। बट हाँ जितना हो सकता है ट्राई कर रहा हूँ। तो प्लीज़ यार जो लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जो बैंगलोर से हो आप मतलब इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे आराम से प्लान कर सकते हो। आज तो बारिश है वरना आप आके आराम से बैठ बैठ के अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हो ना। चलिए तो अभी यहाँ पे चलते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं 7 PM तक वेट करते हैं। म्यूजिकल फाउंटेन से निकल चुके हैं, शो सीरियसली अच्छा है। आज तो बस ये बारिश के चक्कर में अपना कट गया पूरा, एकदम भीग भीग के अपने को जितना हो सके कट किए। बट हाँ जगह सीरियसली बहुत ही अच्छा है, मतलब हाँ थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गया था उस साइड में, लेकिन बाकी फाउंटेन शो भी बहुत ही अच्छा है। तो जैसे मैं बोल रहा था ना दो फाउंटेन शो है, एक 7 to 7:30 एक होता है। आज बारिश के चक्कर में शायद थोड़ा 10-15 मिनट पहले स्टार्ट कर दिया था। तो अगर आप आधा दिन का प्लान करते हो ना इवनिंग के टाइम पे, आप यहाँ पे आके नेहरू टेरिटोरियम पे शो देख सकते हो, उसके बाद आके यहाँ पे फाउंटेन, म्यूजिकल फाउंटेन हो गया, उसके बाद थोड़ा सा टाइम है स्पेंड कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। तो
तो बस उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, और जो दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार एक सब्सक्राइब कर देना। तो आपसे मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग पे, दूसरी जगह पे, दूसरा को देखते हो, तब तक के लिए।